तो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एयरटेल से एसएमएस भेजना है या आपको रिसीव करना है किसी भी ऐप से, व्हाट्सएप से, या आपके बैंक से, या आपके लोन की कंपनी हो की तरफ से, या आपका कोई भी ऐप दोस्तों, वहाँ से आपको एसएमएस नहीं आ रहा है और आपका जा रहा भी नहीं है। तो हमको कौन सा रिचार्ज करना चाहिए ये आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। हमको अभी एयरटेल का जो पहले एसएमएस पैक आता था वो बंद हो चुका है, बाकी की सब फेक वीडियो है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर ट्रू नॉलेज मिलेगी। और बाकी आप कितना भी सर्च कर लो, आपको फेक ही वीडियो देखने के लिए मिलेगी। जो आपका नेट बैलेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे को दोस्तों एक स्मार्ट रिचार्ज करना पड़ता है। स्मार्ट रिचार्ज हमारा कितने का होता है ये दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ 79 रुपीज़ का एक स्मार्ट रिचार्ज पैक है, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए इधर नो आउटगोइंग एसएमएस लिखा है, तो इसके लिए एक हमको और पैक को करना पड़ता है, तो जाके हमारा आउटगोइंग चालू होता है। बाकी जो आप दूसरी वीडियो देखेंगे सब फेक है फ्रेंड्स, यही आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मैसेज जाएगा नहीं। और सिर्फ इसमें आपका मैसेज आएगा पर जाएगा नहीं। तो ये वाले पैक कराते हो 79 रुपीज़ का, तो आपको मैसेज सिर्फ इनकमिंग के लिए ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैसेज भेजना है तो आपको एक देखिए और बता देता हूँ, पहले 120 रुपीज़ का समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ हमको दूसरा कौन सा करना पड़ता है दोस्तों, जो हमको आउटगोइंग एसएमएस के लिए 128 रुपीज़ का है फ्रेंड। यहाँ 0 talk time है, 0 MB डाटा है, यह हमको 28 डेज वैलिडिटी है, और यहाँ हमारा नो आउटगोइंग एसएमएस नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ हमको मैसेज जा सकता है 128 रुपये में, और लोकल और ₹1 and STD 1.5 पैसा दोस्तों कॉल जाएगा आपका। तो ये प्लान कुछ फ़ायदे का नहीं है, आपको कराना नहीं है फ्रेंड्स। आपको जो 79 रुपीज़ का दिखता है वही कराना है, और बाकी का आपको 128 रुपीज़ का कोई काम का पैक है ही नहीं। तो दोस्तों हम 79 रुपीज़ का एक पैक करके आपको बताना चाहूँगा, 79 रुपीज़ का आपको कर लेना है। और यहाँ हमको टॉक टाइम में जाना है, यहाँ आपको जितना एसएमएस भेजना है उतने रुपए का आपको रिचार्ज कराना है फ्रेंड्स। यहाँ आपको एनए वैलिडिटी लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है वो भी समझाने वाला हूँ। और 20 और 10 रुपये में आप कितने एसएमएस कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ हमको 10 रुपीज़ के रिचार्ज में 7.47 पैसा हमको मिलता है, सिर्फ 7 रुपये मिलेगा और 47 पैसा मिलेगा आपको। यहाँ आप कभी डेबिट कार्ड की EMI चेक करने के लिए भेज रहे हो मैसेज, तो यहाँ आपको 3 रुपये कट जाता है। तो आप एक ही मैसेज भेज सकते हो डेबिट कार्ड की EMI, आप जो लिमिट होती है कभी कभी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत जन भेजते हैं फ्रेंड्स, उनको ये रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत जन को किसी को मैसेज करना होता है। तो इसके लिए भी दोस्तों मैसेज कर रहे हो तो आपको 1 रुपये से लेके 30 पैसे तक का कट सकता है, 30 रुपये एक मैसेज जाता है, तो 7 रुपये आपको मिलता है 10 रुपये में। तो आपका कितना जाएगा तो आप समझ लीजिए, 30-7 करके आप देख लेना आपको कितना मैसेज जा सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ हमको 20 रुपये का एक रिचार्ज है फ्रेंड्स, ये स्मार्ट पैक जो हमारा होता है उसके बाद ही 20 रुपये करना है आपको और 10 का करना है। बिना स्मार्ट पैक के आपका एसएमएस नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ये आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। देखिए आपको एक मैसेज भेज के दिखा देता हूँ, यहाँ हमारा एक मैसेज जाएगा और इसमें कितना आपको पैसा कटता है तो यही बताने वाला फ्रेंड्स। हमारा भी बैलेंस तो आया नहीं, और इसके अंदर सिंपल मैसेज भेजते तो आपको कोई पैसा नहीं कटेगा फ्रेंड्स। और आप बैंक का डेबिट कार्ड EMI चेक करने के लिए भेजते हो तो आपका 3 रुपये कट जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की बात करूँगा मैं आपको स्मार्ट, तो फ्रेंड्स आपको स्मार्ट रिचार्ज करा लेने का है 79 रुपीज़ का, आपको सिर्फ मैसेज को रिसीव करना है। तो आपको 28 डेज़ के लिए मैसेज रिसीव कर सकते हो 79 रुपीज़ के अंदर, यही पैक है दोस्तों, ये रियल इन्फॉर्मेशन है, आपको जाके चेक भी कर सकते हो। आप पहले के जैसा एसएमएस पैक नहीं आता है, अब नया रूल निकला है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से हमको 79 रुपीज़ के स्मार्ट पैक के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। और प्लस 79 प्लस आपको एक 10 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा एसएमएस भेजने के लिए फ्रेंड्स। तो जितना 10 रुपीज़ के ना बैलेंस होगा उतना ही आपके एसएमएस जाएंगे, उस वो ख़त्म हो गया बैलेंस तो आपका एसएमएस भी जाना बंद हो जाएगा फ्रेंड, फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा ही आपका एसएमएस पैक काम करता है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हमारे को रिचार्ज कौन सा करना पड़ेगा, और आपको अभी कोई वीडियो झूठी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी वीडियो देख लो, आपको उसमें उल्टा पुल्टा बताया गया है। आपको SMS पैक के बारे में नहीं बताया गया फ्रेंड्स, तो आपको 79 रुपीज़ का ही करना है और प्लस 10 रुपीज़ का, तो आपको समझ। और फ्रेंड्स आपको डेली के 100 SMS भेजना है, डेली का डेली तो हमको 3000 SMS मिलते हैं। हमको 249 रुपीज़ का एयरटेल का आप रिचार्ज कराओगे तो आप डेली के 100 SMS भेज सकते हो फ्रेंड्स। पर इसके अंदर हमारा जो डेबिट कार्ड EMI एलिजिबिलिटी चेक करते वाला SMS नहीं जाता है, तो हमको 3 रुपये का रिचार्ज करना ही होता है फ्रेंड्स। तो आप 3 रुपये का रिचार्ज नहीं करोगे तो डेबिट कार्ड की EMI की एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते हो। उसके अलग से हमको 3 रुपये डालना पड़ता है फ्रेंड्स। आप भी शॉर्टकट में 4 से 5 नंबर को भेजते हैं स्पेशल नंबर को मैसेज, तो वहाँ हमको 3 रुपये चार्ज देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों, लाइक करिए, वीडियो को ऊपर लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और कुछ आपको पूछना है नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो एक और बात